ओके, आज का जो राइटिंग टास्क टू है वो होने वाला है एग्री और डिसएग्री वाला। 9 नंबर का टास्क चल रहा है। अगर आपने पिछले टास्क नहीं देखे तो प्लीज जाइए और वॉच कीजिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने एग्जाम देना जरूर से मेरी सारी राइटिंग की वीडियोस देखिए गाइस, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। सो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको स्टेटमेंट या नोशन ही प्रोवाइड नहीं करती हूँ, बल्कि इसका सैम्पल आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी आपको मिल सके। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा क्या ये क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, ये जो टॉपिक है ना वो रिपीट होते हैं। तो ये जो सैम्पल आंसर में वर्डिंग यूज की आप डिटो यूज कर सकती हो, डोंट वरी अबाउट दैट। सो स्टेटमेंट इज, सम पीपल थिंक दैट मेंटेनिंग पब्लिक लाइब्रेरीज इज अ वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी सिंस अ कंप्यूटर सिस्टम कैन रिप्लेस देअर फंक्शन। टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? सो फर्स्टली वे लोग की किस तरह से इंट्रो प्रिपेयर की जाती है किसी भी टास्क को लिखने के लिए, वैसे तो बहुत, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इंट्रोज जो है कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे एंड करना चाहिए, कैसे सम अप करना चाहिए आंसर का। सो टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड हैज रिवोल्यूनाइज्ड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज इन ऑलमोस्ट ऑल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। पब्लिक लाइब्रेरीज हैव ऑल्सो बेनिफिटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। सम पीपल प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट दैट गवर्नमेंट शुड नॉट स्पेंड मनी इन मेंटेनिंग देम एज कंप्यूटर कैन रिप्लेस देम। हाउएवर द सजेशन डज नॉट सीम फेसिबल इनफ फॉर मोस्ट कंट्रीज। सो गाइज, अगर कोई भी आपको लगे ना इररिलेवेंट सा है ये, तो कोई इसका तो बेस ही नहीं है इस स्टेटमेंट का, तो आप इस तरह से फेसिबल इनफ यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो सजेशन है वो फेसिबल इनफ नहीं है। ओके, सो BP1 देखिए, देयर आर मैनी रीजंस व्हाई कंप्यूटर्स कैन नॉट कंप्लीटली रिप्लेस पब्लिक लाइब्रेरीज इन द नियर फ्यूचर। फर्स्ट, लाइब्रेरीज कंटेन बुक्स रिटन इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेज whereas majority of software programs are developed in English, which creates problem for programmer in displaying information regarding such books. Subsequently, it also creates problems for the users to use the books efficiently. Secondly, it is indeed difficult to read books on computer as it has implications for the health of our eyes. In addition, it is expensive because computers need infrastructures which may not affordable in the rural area of developing economies. So second BP dekhi. Thirdly, okay, not all the people who visit a library may be computer savvy. Thus, it is extremely difficult for many members of public libraries to access the services to get benefits from it. Finally, computers are also vulnerable to technical glitches. They do succumb to system crashes versus hardware or software related problems, and in such situation it shall become next impossible access any book in the library. However, according to some people, computers do not have benefits to offer. One of them is they save time as they need less space. We can store thousands of books in small 3.5-inch hard drive. Also, life of books is no longer in digital form compared to their versions on paper. Most importantly, with the help of computers, book of libraries can be accessed by people beyond geographical borders. Finally, to conclude, आप इनकी जगह यूज कर सकते हो। ओके, कंसिडरिंग द पॉइंट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ गिवन टॉपिक, आई कंक्लूड दैट कंप्यूटर शुड बी यूज टू फैसिलिट लाइब्रेरी फंक्शनिंग, बट इन द नियर फ्यूचर दे शुड नॉट कंप्लीटली रिप्लेस द पब्लिक लाइब्रेरीज। सो गाइज, बहुत ही ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में इन्होंने बता रखा है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड हैं जिन्हें आप यूज करना चाहे तो कीजिए अगर 9 बैंड तक अचीव करने हैं, अदरवाइज आप इनका यूज ना कीजिए अगर आपको सूट नहीं लगते हैं तो। लाइक यहाँ पे हो गया, ये हो गया, स्कम्प हो गया,
बहुत से वर्ड है अभी मुझे नहीं मिलेंगे। सो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट के जरिए भी शेयर कर दूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच। आप इस तरह के जो आइडियाज है वो स्पीकिंग के लिए भी तैयार कर सकते हैं। आई होप इट मे हेल्पफुल फॉर यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।